ये जानवरों से बचाने के लिए बनाया जाता है। आप मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी वाला फूल है। परवल, ये परवल सबसे बड़ा वाला बाबा जी का आश्रम। तो ये रौसली वगैरह हैं। मत भैंक करें यहाँ से, वो करेगा। अब देखिए, जैसे मैं ये देखिए दोस्तों, अभी मेरे हाथों में जो मशरूम, जो च्याऊ है, च्याऊ बोलते हैं यहाँ के लोग, तो यहाँ पर तीन मशरूम की तरह यहाँ पर क्या प्यारे प्यारे लग रहे होगी। तो अपने साथ पानी लेके आना। कुछ जगह है जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पड़ोसी, ये हमारा गांव है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ। मैं आ रखा हूँ गांव अपने कानाताल। तो सुबह सुबह का मौसम ऐसा कुछ हो रखा है और अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। और पूरा यहाँ मतलब जो भी मतलब हरियाली वगैरह दिख रही थी, जो भी व्यू पॉइंट था, वो सारा ढक चुका है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे ये क्लियर होता है तो उसके बाद दिखाता हूँ मैं यहाँ का नज़ारा। बाकी सुबह से लगातार बारिश होती जा रही है यहाँ पर। कल भी शाम को बारिश हुई थी, अभी सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा साफ़ हो रहा है, क्लाउड ऊपर की ओर जा रहा है। तो अभी देखते हैं, जैसे जैसे बादल हटेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा कि आजकल कैसा हो रखा है यहाँ पर। अभी महेश और समीर लोग तो सब सो रखे हैं, बाकी रवि स्कूल चले गया है, उसके टेस्ट थे, तो मैं यहाँ पे हूँ, बाकी मौसी उधर हैं। तो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है आजकल गाँव में। तो चलो फिर दोस्तों, देखिए यहाँ पर लगा रखे हैं मटर, प्यारे प्यारे मटर लगा रखे हैं, और इतने मटर हो चुके हैं काफ़ी बड़े बड़े। बाकी यहाँ पे बिडारा बनाया हुआ है, ये जानवरों से बचाने के लिए बनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ नीचे भी देखिए, यहाँ पे गोभियाँ लगा रखी है, प्यारी प्यारी गोभी। उस साइड मटर लगा रखे हैं, इस साइड गोभी लगा रखी है, और वहाँ पर साड़ी वगैरह लटका रखी है। वो इसलिए लटकाया जाता है तो जानवर आते हैं ना तो भाग जाते हैं, वो सोचते हैं इंसान है यहाँ पे, तो इसलिए लगाए जाते हैं। बाकी मौसम देखिए, यहाँ पर हरी हरी घास हो रही है और चारों तरफ पहाड़ों में तो फूल खिल रहे हैं इस टाइम पर। और इस साइड थोड़ा सा मौसम साफ़ हो रहा है, बाकी इस साइड देखिए पूरा क्लाउडी क्लाउड है पूरा, देखिए कितना ख़तरनाक है। बाकी नीचे से आ रहा है क्लाउड, मैं थोड़ा सा बढ़िया सी वीडियो बना लेता हूँ वहाँ पे। फिलहाल अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर, मतलब उधर घर है ना हमारा, तो उस साइड घूम के आता हूँ कि कैसा ऐसा हो रखा है वहाँ का नज़ारा। बाकी देखिए, आजकल पहाड़ों में मुर्गी से मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी वाला फूल है, तो इसको मैं बना के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं मौसी और के यहाँ पहुँचता हूँ, और काफ़ी थकान लग रही है यहाँ से। बाकी बारिश भी बूंदाबांदी गिर रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा साफ़ हो रखा है क्लाउड, इसलिए मैं थोड़ा सा घूमने निकल गया हूँ। तो दोस्तों देखिए, दूसरी वाली मौसी ने यहाँ पर लगा रखे हैं परवल, ये परवल काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रखे हैं ना, यहाँ से देखिए पूरा परवल ही परवल। और यहाँ लगा रखे हैं बीन्स, छेमी वगैरह यहाँ लगा रखी है, राजमा वगैरह। और ये अखरोट का पेड़ है जिसमें अखरोट सारे टूट चुके हैं, और यहाँ पर मुंगरी वगैरह है। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल भी हैं, देखिए। योगेश दाई यहाँ पर भुट्टे खा रहे हैं, ठीक है, मैंने तो कब का ख़त्म कर दिया, फिर भी ये खाए जा रहा है। पहाड़ी भुट्टा है, पहाड़ी अपने हम अपने हाथों से पोल के ना भुट्टे खा चुका है। तो आगे आश्रम दिख रहा होगा, तो वो यहाँ पे देख सकते हो क्या बढ़िया सीन है। जो सबसे नीचे वाला घर दिख रहा है ना, वहीं से आ रहे हैं हम। कम से कम यहाँ से 16 किलोमीटर तो होगी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कानाताल कैंप, हाँ कैंप है, ठीक है, यहाँ पे भी बढ़िया है। और महेश जा रखा है चार्ज करने फ़ोन। मैं बहुत टाइम बाद पहाड़ों में आ रहा हूँ, तो ये अच्छा, इतना अच्छा तो है नहीं, पर भी भयंकर बहुत मज़े आ रहे हैं इसमें। मुझे तो ऐसा ही पसंद है भयंकर, योगेश दाई कह रहा है कि अच्छा ही नहीं है, ठीक है। जो होता है ना क्लीन, तो भयंकर मैंने बहुत देखे, पर ये चारों तरफ मज़ेदार रहता है। कोहरा होता है ना चारों तरफ, तो बढ़िया एकदम बढ़िया लगता है यार। ये है कानाताल वोरिचेट, यहाँ पे बन रहे हैं बहुत कॉटेजेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। तो सामने बाबा जी का अबे दिख तो आश्रम है, ठीक है, दिख नहीं रहा तो ठीक है।
ये सामने बाबा जी का आश्रम दिख रहा होगा आपको। अरे बहुत आजकल तो कलर ही चेंज कर दिया उन्होंने, रेड कलर लगा दिया। पहले तो वो सा था यार, जैसा वो सा वाइट था पियर। तो यहाँ से हम श्री विजय मठ, विजय मिलन मठ की ओर जा रहे। अंदर तो फिलहाल नहीं जाएंगे, फिर भी जाएंगे तो हम ये लेफ्ट राइट साइड के रास्ते जाएंगे। मच्छी ताल करके नाम कुछ है वहाँ पे। और हमारे ट्रैवलर पार्टनर देखो भाई कितने हसीले और फुर्तीले दिख रहे होंगे। तो यहाँ का नीचे का नज़ारा केदार का। तो यहाँ पे देख सकते हो, और ये बहुत बड़ा महल है बैंक, और कौन रहता होगा यहाँ पे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मच्छी ताल की ओर, जो कि हमारा पुराना सा क्रिकेट ग्राउंड है और वहाँ पर पानी भी भरा होगा। तो अभी हम तीनों भाई जा रहे हैं मच्छी ताल, जरा वहाँ की सैर करके आते हैं। बाकी नीचे हम ये देखिए, ये क्या मस्त मौसम तो मस्त हो रखा है। अभी सुबह से काफ़ी भयंकर बारिश आ रखी थी, लेकिन अभी मौसम साफ़ हो रखा है। बाकी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घास हो रखी है वहाँ पर, और फल फ्रूट के पेड़ तो सारे टूट चुके हैं, अखरोट वगैरह सारे ख़त्म हो चुके हैं, फल फ्रूट सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से लोग काफ़ी चले गए हैं। तो देखिए झाड़ियाँ, देखिए कितनी ख़तरनाक हो रखी है झाड़ियाँ, और पेड़ पौधे भी बड़े बड़े तो हो ही चुके हैं यहाँ पर। देखिए पेड़ पौधे बचे ही नहीं हैं, सारे लंगूरों ने ख़त्म कर दिए हैं तोड़ तोड़ के। तो गांव में ऐसा कुछ सीन है आजकल, और देखते हैं आगे मच्छी ताल में कितना पानी भरा है, क्योंकि कल रात भर बारिश हुई, अभी सुबह भी बारिश हुई, तो पानी तो भरा होना चाहिए। और वहाँ पे मशरूम मिलेंगे तो वो भी लेके आएंगे, उनकी सब्जी खाने में मज़ा आता है। तो दोस्तों देखिए फ़िलहाल आज का सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से, बाकी यहाँ से तो नहीं ऊपर से दिखेगा, वहाँ से अभी हम मच्छी ताल से आएंगे ना उसके बाद दिखाएंगे। और ये ऐसा कुछ हो रखा है काना ताल, देखिए वहाँ कैंप वगैरह वैसे ही हैं, बाकी हरियाली छा चुकी है, स्कूल वगैरह भी सारे ओपन हैं, तो बादल लग रखे हैं। हम अभी वहाँ से आए हैं चोरगढ़ से, उतना हमने कवर कर लिया एरिया। अभी हम ऊपर जाएंगे मच्छी ताल, तो वहाँ से थोड़ा कैप्चर करके आते हैं कुछ सीन वगैरह। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नर्सरी वाली जगह, यहाँ का नाम नर्सरी है। जो ये वाला राइट वाला रास्ता जाता है वो जाता है भमोरी खाल साइड, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉटेज वगैरह हैं। अभी हम इस वाले नर्सरी से यहाँ से जा रहे हैं मच्छी ताल की ओर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे तालाब वगैरह भी इधर बनाए गए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर पर्यटक तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। देखिए कितना हरा भरा है, और पेड़ पौधे काफ़ी प्यारे प्यारे लगा रखे हैं यहाँ पर, और जो भी आता है उन पेड़ों पर नाम लिख के जाता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, तो हम ऐसे चलते हैं ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मार्केट बनने वाला था, लेकिन जब यहाँ पर पानी भरा तो उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट कैंसिल हो चुका था। और ये देखिए ये से बोलते हैं धूपी का पेड़, तो ये रौसली वगैरह हैं, काफ़ी प्यारी खुशबू होती है इसकी, आप लोग देख सकते हैं इसमें दाने वगैरह भी लगे। एक टाइम आए थे हम जब मैंने यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड शूट किया था, तो यहाँ पर पाला जमा हुआ था, इसके ऊपर फिसला था तो गिरा था। अभी देखिए यहाँ पर पानी जानवरों के लिए, पानी पीने के लिए बना हुआ है। हम देख रहे हैं जैसे हम जंगलों में पहुँचे ना, तो यहाँ पर एक अलग अलग चीज़ें मिलती है। देखो मैं इसे दबाऊंगा ना, इसका नाम तो बहुत इसको ही छूना मत, भैंक करे यहाँ से वो करे। अब देखिए जैसे मैं ये देखिए इसके अंदर से धुआं निकल रहा है और डर गया, ये देखिए खतरनाक चीज़ होते हैं, ये देखिए इसके अंदर से धुआं निकल रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं इस जंगल में, अभी आगे आगे दिखाएंगे, अभी आगे आगे बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। और जंगल काफ़ी मस्त है, साफ़ सुथरा, यहाँ पे भी नाम लिखे हुए हैं, किसी ने L, किसी ने N, किसी ने एरो वगैरह दिखा रखे हैं। तो अब ये रास्ता भी जंगल जंगल हो चुका है पूरा, पहले काफ़ी प्यारा रास्ता था, अब रास्ता ख़त्म ही हो चुका है एकदम से। चलते हैं फिर आगे, एडवेंचर काफ़ी मस्त रहेगा ये एडवेंचर, यहाँ का नया एपिसोड बनाते थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई जानवर रहा था शायद, यहाँ से जा रखा है आगे, यहाँ बाघ भालू हर प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो इसी रास्ते से अब आगे की ओर गया, देखिए पंजों के निशान, हम भी जा रहे हैं, जरा कहीं हमें दिख जाए तो हम उसे कैप्चर करके दिखा सकें, या वो हमें ही कैप्चर कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। बने रहिए ब्लॉग पे, ये काफ़ी ख़तरनाक एडवेंचर होने वाला है। हमें यहाँ पर 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक प्यारा सा मच्छी ताल, तो नहीं है उसमें लेकिन है, उसका नाम मच्छी ताल रखा है हमने। तो अभी जाते हैं जरा, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाले मशरूम देखे हैं आपने, ये नंगरियाओं वाले, इसमें नंग नंग जैसे होते हैं, तो इसके बना के खाते हैं, लेकिन इतनी टेस्टी होते हैं इनकी सब्ज़ियाँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये ख़राब हो चुके हैं,
जो जो नया नया माल होगा वो देखेंगे ऊपर। तो पूरे जंगल में भरे पड़े हैं ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे हैं ये देखिए। इनकी सब्जी बनती है टेस्टी टेस्टी, लेकिन अभी ऊपर देखते हैं कोई नए ताज़े ताज़े उगे होंगे। तो दोस्तों अभी मेरे हाथों में जो मशरूम जो च्याऊ है, च्याऊ बोलते हैं यहाँ के लोग, तो ये नंगरियाऊ भी है, इसका नाम नंग नंग जैसे हैं तो इसको नाम नंगरियाऊ बोलते हैं। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने में, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा मिल गए तो हम ले जा सकते हैं इन्हें सब्ज़ी बनाने। इसका चावल के साथ भी अच्छा होता है, रोटी के साथ भी अच्छा होता है ये खाने में। पहले हम यही खाते थे यहाँ, लेकिन अब काफ़ी कम मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी इस टाइम पे तो होंगे, तो यहाँ पर कोई जानवर है शायद, भालू वगैरह, बाघ वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम तीन हैं, वो अकेला है, पर जानवर जानवर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, सूअर वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। अबे मुर्गा, मुर्गा है, तो यहाँ पर जंगली मुर्गे हैं। आप लोगों को दिखाऊं क्या जंगली मुर्गे? यहाँ नीचे से भाग गए, यहाँ नीचे भाग चुका है मुर्गा। तो यहाँ देखिए रास्ता कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ है, यहाँ से चलना पड़ रहा है। यहाँ पे हम काफ़ी खेलते थे, यहाँ पर तीन मशरूम की तरह यहाँ पर क्या प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे ही सब्जियाँ वगैरह, वो मशरूम वगैरह उगते रहते हैं, तो यहाँ से ले जा सकते हैं। इंसान इन्हीं को खा के मतलब इनसे औषधि भी होती है, तो इन्हीं को खा के तंदुरुस्त रहता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुर्गे वगैरह रहते हैं जंगली, इसकी वजह से यहाँ पर पूरा खोद रखा है। चल फिर अब थोड़ा रह गया है, मच्छीताल पहुँचने वाला है, तो देखते हैं कितना पानी भरा है वहाँ पे। तो गाइस हम चलते चलते लगभग 1.5 घंटे हो गए, तो इतना मतलब बहुत थक चुके हम। तो देखते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर इन कब तक आएगा। यार बहुत टाइम बाद इतना ट्रैवल कर रहे, तो बहुत थोड़ा दिक्कत तो होगी होगी। तो अपने साथ पानी लेके आना, कुछ अपने साथ सेफ्टी वगैरह लेके आना। फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच ही गए, बस यहाँ से आगे जाने थोड़ा ही बाकी है। और जो हमने लोकेशन देखी थी वहाँ हम पहुँचने वाले हैं, तो अब उसका फेस रिवील करते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, पानी में नहाते थे, यहाँ यहाँ तक भरा रहता था। लेकिन हम यहाँ से बैठ के अभी वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए भी सही है। तो ये है मच्छी ताल, इसे कहते हैं मच्छी ताल, हमने यहाँ पे मच्छी ताल नाम रखा था इसका। और वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। अब देखिए कितना घास वगैरह हो चुका है, पानी भी कितना कम हो चुका है, पहले यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था। यहाँ जानवर हो सकता है, भालू वगैरह, वो भालू ऊपर वाले पेड़ों में बैठा रहता है। तो ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, ये सुरकंडा देवी टेम्पल है, और वहाँ पर काफ़ी पूरा फॉग ही फॉग आ रखा है, यहाँ से नज़ारा नहीं दिख रहा है। बाकी हमने मच्छीताल वहाँ नज़ारा दिखा लिया है आप लोगों को। और अब देखिए नीचे पे एक आजकल दुकान वगैरह लगा रखी है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर चाय पानी पीते हैं। बाकी इस साइड काफ़ी मस्त हवा चल रही है, और मौसम काफ़ी खुल चुका है, ऐसा लगता है हम अभी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, नई टीरी साइड जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है अभी अभी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अभी हम सबसे टॉप वाले घर पे हैं अपने, ये देखिए हमारा घर टूट चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है, सारा टूट चुका है। और यहाँ से नज़ारा देखिए, वहाँ क्या मस्त दिख रहा है, यहाँ पड़ोसी, ये हमारा गाँव है, अपना गांव है, और आज हम गांव पे आए हैं। तो अभी हम मच्छीताल से आए थे घूम के, तो ये था हमारा कानाताल गांव, पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां से पूरा नज़ारा दिखता था हमारे घर से। तो अब तो टूट चुका है, यहां कोई रहता नहीं है, और झाड़ियां झाड़ियां हो चुकी है, देखिए कितनी भयंकर झाड़ियाँ हो रखी है। अभी यहां कोई लोग रहते नहीं है, वहां पे रहते हैं बस कॉटेज वगैरह। तो अब हम जाते हैं यहां से, फिर हमने शायद आज घूमने भी जा सकते हैं, तो अभी हमने वहां जाना है, तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं। के रास्ते में फंस चुके हैं, ये देखिए पूरी झाड़ी झाड़ी, जहाँ से रास्ता था वहाँ बंद हो चुका है। जाएगा यहाँ से? जाएगा नहीं जाएगा? चल मैं ट्राई मारता हूँ फिर। यहाँ एक लट्ठी भी नहीं है क्या? लट्ठी होती तो मैं तोड़ तोड़ के भी।